एम्ब्रियो ट्रांसफर में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ होती है, ठीक है, मुझे एग रिट्रीवल ज़्यादा इजी लगा था क्योंकि हम बेहोश होते हैं। हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका एग रिट्रीवल हो चुका है और वो एम्ब्रियो ट्रांसफर की वेट कर रहे हैं, ठीक है। एम्ब्रियो ट्रांसफर स्पेशली जैसे मेरा हुआ था, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर था, अगर आपका भी फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर है तो उन लोगों को हमेशा ये डाउट रहता है कि क्या एनेस्थेटिक इंजेक्शन लगता है, क्या उस दिन मतलब पेन होता है या कितना टाइम लग जाता है, क्योंकि एग रिट्रीवल के दिन भी पूरा दिन जैसे लग जाता है, काफ़ी देर तक तो बेहोश ही होते हैं या होश में आने के बाद भी जो पूरा दिन उसमें लग जाता है हमें थोड़ा रिकवर करने में। लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफर के दिन क्या होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर भी क्या सिमिलर होता है, तो ये सारे डाउट्स मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूँगी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के दिन मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था। हो सकता है कि हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल पे डिपेंड करता हो, थोड़ा बहुत स्लाइड वेरिएशन हो। अगर आपका ट्रांसफर हो चुका है और आपका जो एक्सपीरियंस था वो थोड़ा सा डिफरेंट था तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि जो बाकी लोग हैं उनको भी पता चले। तो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर के दिन भी मुझे अर्ली मॉर्निंग बुला दिया था हॉस्पिटल में ही, हम 7 o'clock पहुँच गए थे और थोड़ा बहुत पेपर वर्क होता है उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं और एक रूम होता है आपके पैकेज के अकॉर्डिंग जिसमें आपके हस्बैंड और आप रह सकते हैं। और इस दिन भी हमें सेम इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि आप कुछ भी ऑर्नामेंट्स वगैरह नहीं पहन सकते, परफ्यूम नहीं लगा सकते, क्रीम्स नहीं लगा सकते, आप कोई मेकअप यूज़ नहीं कर सकते। इस दिन भी आपको नॉर्मल आना है, ईयरिंग्स वगैरह या सिंदूर मंगलसूत्र ये सब बिल्कुल नहीं पहनना है उस दिन, और पहनते भी हैं तो वहाँ पे आके वो उतारने के लिए बोली देते हैं। तो और आपको हॉस्पिटल ड्रेस दे दी जाती है जो आपको पहननी होती है क्योंकि अब आप पेशेंट हैं, ठीक है, आपको एडमिट किया जाता है तो आप पेशेंट हैं। लेकिन बस मुझे एक चीज़ अच्छा लगा एम्ब्रियो ट्रांसफर का, एग रिट्रीवल में यहाँ पे हमें ट्रायंगुलर लगा दिया था क्योंकि हमें डिप्स वगैरह लगी थी, लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफर के दिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उस टाइम पे हमें बोला जाता है कि आप खाना खा के आइए और जिस टाइम जो मेडिसिन बोली है वो भी खानी होती है, या अगर आपका मेडिसिन खाने का टाइम नहीं हुआ है, बहुत अर्ली मॉर्निंग बुलाया है, तो आप वो मेडिसिन वगैरह हॉस्पिटल में ही लेके आइए और जब आपका वो मेडिसिन खाने का टाइम आ जाए तो आप उसको खाइए। एम्ब्रियो ट्रांसफर में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ होती है, ठीक है, मुझे एग रिट्रीवल ज़्यादा ईजी लगा था क्योंकि हम बेहोश होते हैं, ठीक है, और एग रिट्रीवल में जो है हमें यूरिन पास करना होता है ना कि कंट्रोल। पर एम्ब्रियो ट्रांसफर में मतलब हो सकता है कि और लोगों को इसमें मुश्किल नहीं आई हो, लेकिन मुझे ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है कि मैं यूरिन ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं कर पाती हूँ। तो जिन लोगों को सिमिलर प्रॉब्लम है उनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, पर वो अपने डॉक्टर से शेयर करें, डॉक्टर उन्हें राइट इंस्ट्रक्शन देंगे और जो मैंने गलती की थी वो आप नहीं करेंगे। मेरे साथ ये हुआ था कि उन्होंने कहा था कि आप पानी पीजिए और यूरिन को रोक के रखिए, वॉशरूम नहीं जाना है, ठीक है। ये जो होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये प्रेशर में होता है, तो मैंने यही किया, ठीक है। और क्योंकि मेरा जो था उन्होंने टाइम एग्जैक्टली नहीं पता था मुझे कि कितनी देर में बुलाएंगे, क्योंकि एक एक करके जिनका भी उस दिन था ट्रांसफ़र वो सारे जा रहे थे और मेरे टर्न आने से पहले ही मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था, मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। तो मैंने नर्स को बोला, तो नर्स ने बोला कि आप एक बार वॉशरूम चले जाइए, कोई बात नहीं, उसके बाद आप फिर से पानी पीजिएगा और कंट्रोल कीजिएगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर मत जाइएगा। तो मैंने यही किया, लेकिन फिर भी मुझे सेकंड टाइम भी प्रेशर आ गया बहुत ज़्यादा, और फिर मैंने इस बार नर्स को नहीं बताया, मैं चली गई। और उसके बाद मैंने पानी वगैरह पिया, लेकिन उसी टाइम नर्स आ गई और उसने कहा हाँ आपको अब जाना है, मैंने जाना है। तो मैं फिर से मैंने कहा अभी मुझे प्रेशर नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप कोई बात नहीं, आप वैसे भी आप ऊपर जाएंगे तब भी आपको थोड़ी देर वेट करना होगा, तो आप पानी पीते रहिए। तो जब मैं ऊपर गई तो उसके बाद वहाँ पे भी थोड़ी देर वेट किया मैंने और मुझे पानी वगैरह पीना पड़ा, तो पानी पिया फिर मुझे अचानक से फिर से प्रेशर आ गया, ठीक है, और मैंने शायद ज़्यादा ही पानी पी लिया था। तो बाय द टाइम मेरा चांस आया एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए मैं अंदर गई, मेरे डॉक्टर से मैंने कहा कि मैंने पानी पीने की वजह से मेरे को पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा पानी पीने पर। तब डॉक्टर ने मुझे डांटा, कह रहे इतना भी नहीं पीना था, तो उन्होंने कहा आप जाइए वॉशरूम, थोड़ा सा यूरिन पास कीजिए और उसके बाद वापस आएंगे। तो मैं वॉशरूम गई, थोड़ा ही यूरिन पास किया क्योंकि उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर वही है, प्रेशर नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने थोड़ा यूरिन पास करके मैं फिर से गई और इस बार मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ। अब जिन लोगों को ये डाउट रहता है कि क्या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पेनफुल रहता है, तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है बिल्कुल भी पेनफुल नहीं रहता, मतलब जो पेन एक इंजेक्शन ड्यूरिंग द इंजेक्शन जो पेन होता है उतना भी मुझे फील नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, ठीक है, बहुत नॉर्मल था, ठीक है। हमें हाँ बस ये कि हमें थोड़ा हिलना डुलना नहीं होता क्योंकि वो ट्रांसफ़र करें उनको एक अप्रोप्रिएट प्लेस चाहिए जहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो,
प्रॉपरली उसी जगह पे जाए, क्योंकि डर रहता है ना कि एटोपिक प्रेगनेंसी ना हो जाए, तो फेलोपियन ट्यूब एम्ब्रियो को सक ना कर ले, इसलिए वो बस ये होता है कि हिलना डुलना नहीं होता, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं होती, ठीक है, नॉर्मल है, रूम भी ऐसा होता है, आप आसानी से रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है। और जो डॉक्टर है, क्योंकि वहाँ पे के डॉक्टर होंगी, ठीक है, तो ऐसे कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आपके जो भी डाउट है, कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, पेट में दर्द हो कुछ हो रहा है, आप उनके साथ शेयर कीजिए। उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ, डॉक्टर ने मुझे स्क्रीन में दिखाया, जो उन्होंने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया था उस स्क्रीन में वो दिखाते हैं कि हाँ हमने सच में ट्रांसफ़र किया है, वो ग्रेड्स वगैरह बताते हैं कि कौन से ग्रेड्स हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कितने जो है वो आपके जो एम्ब्रियोस हैं वो हम दो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दो जैसे मेरे केस में दो ट्रांसफ़र किए थे और दो उन्होंने वापस उसको फ्रीज़ कर दिया है। तो ऐसे करके वो कम्युनिकेट रहता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होती। उसके बाद फिर हमें ऑब्जर्वेशन रूम में भेज दिया जाता है, वहाँ पे भी हमें थोड़ी देर के लिए लाई डाउन करने के लिए ही कहते हैं, और हमें तब भी वॉशरूम कंट्रोल करना होता है, वो कहते हैं एटलीस्ट 15 मिनट बाद ही आप वॉशरूम जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं हुआ, तो मैंने उनसे बहुत जिद की जो नर्स थे, तो उन्होंने मुझे 15 मिनट्स जगह 10 मिनट्स में वॉशरूम जाने दिया। उसके बाद वहाँ से मुझे व्हील चेयर में लेके गए अपने रूम में, और वहाँ पर मुझे लाई डाउन करने के लिए कहा लगातार, ठीक है, मतलब शाम तक, इवन 7:30 तक मैं वहीं हॉस्पिटल में थी, और मुझे लाई डाउन करने के लिए ही कहा था। हाँ, मुझे फ्रेश होते टाइम या वॉशरूम जाते टाइम स्ट्रेन करने के लिए मना किया था। अगर आपको ऐसा कोई इश्यू होता है कि आपको स्ट्रेन करना पड़े या आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होगा, ताकि वो आपको अप्रोप्रिएट मेडिसिन प्रोवाइड कर सके, ताकि ये इशू ना हो, ठीक है। अपनी मर्जी से आप कोई भी मेडिसिन अब से नहीं खा सकते एम्ब्रियो ट्रांसफर से। वैसे तो एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले भी डॉक्टर ने आपको बोला होगा कि जब IVF की मेडिसिन चलती है, तो आप खुद से अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन ऐसे नहीं खा सकते, अनलेस एंड अंटिल आप डॉक्टर से बात करें, पूछें, और डॉक्टर आपको रिकमेंड करे कि आप एक जनरल फिजिशियन को अपनी रिपोर्ट दिखा के उनसे मेडिसिन ले सकें। और उसके बाद हमें इंस्ट्रक्शंस भी मिले थे कि हम जब लेट के उठते हैं, तो हम सीधा एकदम पेट में प्रेशर देते हुए नहीं उठ सकते, हमें पहले साइड में होना पड़ेगा, उसके बाद उठना, मतलब ये सारे इंस्ट्रक्शन मुझे दिए गए थे। खाने से रिलेटेड मुझे इंस्ट्रक्शन दिए थे, क्योंकि आप क्या खा सकते हो, चाइनीज़ फूड नहीं खा सकते, और बाहर का खाना अवॉइड करना है, पपीता मतलब पपाया ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है, ये सारे मतलब, और भी जैसे पानी बहुत ज़्यादा पीना है, अच्छा पानी पीना है, ताकि इसके वजह से कोई भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह का इशू भी नहीं आए, और आपको ज़्यादा स्ट्रेनिंग ना करना पड़े। कई हॉस्पिटल्स में जो है बेड रेस्ट का इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, लेकिन मेरे हॉस्पिटल में मुझे बेड रेस्ट का इंस्ट्रक्शन दिया था, 5 डेज में मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट डे कहा था। पोस्ट दैट मुझे बोला था आप काम वाम भी कर सकते हैं और थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं। जिनका ट्विंस कंसीव होता है उनका थोड़ा सा मतलब ज़्यादा रेस्ट की जरूरत होती है, ठीक है, वो डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है कि वो आपको क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं। डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद, तो अपने डॉक्टर को ट्रस्ट करें, जो भी वो मेडिसिन वगैरह उन्होंने दी है, जो भी इंजेक्शन दिए हैं, उसको आपको राइट डोज के साथ राइट टाइम पे खाना ही खाना है। और बाई चांस आपने कोई डोज मिस कर दिया तो आप डबल डोज नहीं ले सकते, ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने फिर सोचा कि दिन में दो गोली खा ले, नहीं, आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, ठीक है, अगर वो ऐसा अलाउ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी मर्जी से कोई भी डोज बढ़ाइए मत, ठीक है, और स्किप तो बिल्कुल मत कीजिए। तो ये मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफर का एक्सपीरियंस था। आपका एक्सपीरियंस अगर कुछ अलग था या आपके पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है शेयर करने के लिए, तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जिससे बाकी व्यूअर्स वगैरह को भी हेल्प मिले। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।